विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी आप जो है डांडिया महोत्सव का आयोजन कर रही हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं निहारिका ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर खुशबू जायसवाल बोल रही हूँ। और निहारिका ब्यूटी सैलून के बैनर तले ये हमारा 8वां सीजन है डांडिया नाइट का, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं अपने पूरे नगर वासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आइए भारी से भारी संख्या में, और प्रोग्राम को अच्छे से अच्छे, जितना भी ज़्यादा हो सके, शानदार बनाइए। जैसा कि हर आपके डांडिया महोत्सव में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, इस वर्ष कैसी तैयारी चल रही, क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसा कि आपने सही कहा कि हर वर्ष मेरे कार्यक्रम में आपको नया देखने को मिलता है, तो इस बार भी कुछ नया ही देखने को मिलेगा। और कार्यक्रम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। हमारे जितने पार्टिसिपेट्स हैं वो भी पूरी फुल टू फुल तैयारी में लगे हुए हैं, और जितनी हमारी टीम है वो भी अपने कार्यक्रम को जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। जैसी जानकारी मिली है कि आपके जितने भी पास हैं, जितने भी टोकन हैं, सब फुल हो चुके हैं, कि इस कार्यक्रम की जो सफलता का अंदेशा दिख रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, कार्यक्रम का तो जैसे हमारा पिछली बार 200 प्लस रजिस्ट्रेशन था, इस बार भी आंकड़ा यही लग रहा है कि 300 तक तो रजिस्ट्रेशन होना ही है। और इतनी तेजी से रजिस्ट्रेशन कार्ड, हमारे एंट्री कार्ड बिक रहे हैं, लोग आ रहे ले जा रहे हैं, फैमिली वाले पास ज़्यादा जा रहे हैं, पूरी फैमिली आना चाहती है क्योंकि उनके बच्चे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फैमिली तो कहीं ना कहीं देखना चाहेगी। लगभग लगभग आपकी सारी सीटें फुल हो चुकी हैं और एक्स्ट्रा लोग जो है आपको एंट्री करने के लिए कह रहे हैं, किस तरह से आप मैनेज करेंगे? मतलब ये तो होता है कभी कभी इतनी ज़्यादा सीटें फुल हो जाती है, फिर मुझे रोकना पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, अब मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगी। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल तक ही हमने डाली है, 5 तारीख लास्ट डेट है, और 7 को हमारा प्रोग्राम ही होना है लक्ष्मी नारायण वाटिका में। कार्यक्रम कब है, कैसे, क्या रूपरेखा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम हमारा सोमवार को 7 तारीख को होने वाला है लक्ष्मी नारायण वाटिका में, और शाम को 4 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, रात को 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारे लिए जितने भी जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए व्रत के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई है, और बाकी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, और बीच बीच में कॉम्पिटिशन चलते रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ बेस्ट आपका डांस का होता है, बेस्ट गेटअप का होता है, लुक का होता है, सब अलग अलग कॉम्पिटिशन है, वो एक एक शिफ्ट में चलते रहेंगे कॉम्पिटिशन, और फिर विनर अनाउंसमेंट होंगे। आपके कार्यक्रमों में अक्सर सेलिब्रिटी भी आते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, आते तो हैं, इस बार भी कुछ ऐसे ही प्लानिंग चल रही है, वो सरप्राइज में रखा गया है अभी। आप नगरवासियों से डांडिया महोत्सव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं सभी नगरवासियों से ये कहूँगी कि भारी से भारी संख्या में आइए, अपने परिवारों के साथ आइए, और नवरात्र में गरबा करिए, डांडिया करिए, और जो भी है अच्छे से फुल एंजॉय करिए। पिछले कितने सालों से आप ये कार्यक्रम चलाते हैं, यानी पिछले साल ये 8 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 2015 से ये डांडिया का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, पहले हम अपने प्रांगण में ही करते थे, फिर धीरे धीरे ये हाई लेवल तक पहुंच गया, और आज इस लेवल तक है कि 300-500 की आराम से भीड़ होती है और लोग फुल इंजॉय करते हैं। पिछली बार कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? यादें तो हर बार रहती है, पिछली बार तो ऐसी बीमारी चल रही थी चिकनगुनिया की, लोग इतने अपने शरीर को लेकर परेशान थे, मगर उसके बाद भी इतनी अच्छी खासी भीड़ हुई थी, वो एक यादगार था कि लोग इतनी बीमारी में भी हिम्मत करके वो आए, मतलब वो चांस को मिस नहीं करना चाहते थे, लोग कॉम्पिटिशन में भी फुल टू फुल इंजॉय किए और पार्टिसिपेट किए और जीते भी। इस बार भी कार्यक्रम सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? बिल्कुल 101% है। कार्यक्रम तो हमारा हर बार सफल होता है क्योंकि हमारे साथ जो जितने हमारी टीम वर्क है वो भी पूरी लगी रहती है, और समाज का भी पूरा सहयोग मिलता है मुझे। आप अपने सहयोगियों और टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबको ही धन्यवाद करती हूँ, जितने भी हमारे टीम वर्क है, जो भी हमको, कुछ लोग फ्रंट पे आकर के अपना हेल्प देते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे से अपना सहयोग देते हैं, तो मैं सबको ही धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।